हेलो दोस्तों, हमें अक्सर लोगों की पतली नुकीली और शार्पन नाक जो है वो काफ़ी आकर्षित करती है और हम खुद के लिए भी ऐसी नाक चाहते हैं कि बहुत प्यारी सी पतली सी नुकीली सी नाक हो। तो वो कैसे हो सकती है, तो आज हम आपको पांच ऐसी क्विक सी एक्सरसाइज बताने वाले हैं जिससे आप भी अपनी नाक को काफ़ी आकर्षक बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका NBT लाइफ में और मैं हूँ आपकी दोस्त सोनम। तो चलिए आपको करके दिखाती हूँ ये पांच छोटी सी क्विक एक्सरसाइज जिसे आप कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इससे आप खूबसूरत सी नाक पा सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है अपनी नाक को शार्पन करने के लिए, यानी कि एक शेप देने के लिए। इसके लिए आपको अपनी दोनों उंगलियां अपनी नाक के पास रखनी है और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से इसको ऐसे ऊपर की साइड करते हुए ले जाना है। ये रिपीट करेंगे फिर से। इसको आप 4 से 5 बार रिपीट ज़रूर करिए। दूसरी एक्सरसाइज ये भी आपकी नाक को काफ़ी शार्प करने में मदद करेगी। तो इसके लिए आपको ऐसे करना है, दोनों हाथों की जो फिंगर है उसे बिल्कुल नोज़ की साइड में लाना है और इस तरह से स्ट्रेच करना है। ऊपर वाली ऊपर की साइड करेंगे फिंगर को और नीचे वाली नीचे की साइड। वहीं दूसरी साइड भी करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप 5 से 10 बार रिपीट कीजिए। ये आपकी जो नोज़ है, नोज़ लाइन को काफ़ी शार्प कर देती है और नोज़ लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से अलाइन हो जाएगी। वहीं तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे अपनी नोज़ को आगे से शार्प करने के लिए, मतलब आगे से एक नुकीला जो एक टच होता है वो देने के लिए। इसके लिए आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ऐसे करेंगे, अपनी ये जो नोज़ है इसको यहाँ से उठाएंगे आगे हल्का सा और ये जो बीच का पार्ट है उसको हल्का हल्का उंगली से रब करेंगे। और चौथी एक्सरसाइज करेंगे आपकी नाक का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये अक्सर लोगों का उठा होता है। तो इसको किस तरीके से अलाइन करना है, मतलब बराबरी में आना चाहिए, एकदम से उठा हुआ ना लगे। तो उसके लिए आपको ये अपनी नाक को इस तरह से खींचना है ऊपर की तरफ। दोनों फिंगर की मदद ले सकते हैं, चाहे तो एक फिंगर से भी कर सकते हैं, बट बहुत आराम से कीजिए, जेंटली कीजिए। इसको भी आप 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। इससे जो हड्डी है आपके नाक की जो उठी रहती है वो थोड़ा सा अलाइन हो जाएगी और एक लाइन में आ जाएगी। तो चलिए पांचवी एक्सरसाइज बताते हैं जो आपकी नोज़ को ओवरऑल एक शेप देगी। वो ये है कि जब आपकी नाक के पास आप अपनी दोनों उंगली रखेंगे उससे आप अपनी चीक्स की तरफ उसको ऐसे स्ट्रेच कीजिए। जहाँ से आपकी नोज़ की जो स्टार्टिंग हो रही है वहाँ से नीचे की तरफ इसे करते हुए लाएं और वैसे ही इसे एंटी क्लॉक यानी कि ऊपर की तरफ करते हुए ले जाएं। थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपकी ओवरऑल नोज़ को एक बेहतर शेप देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जो 5 एक्सरसाइज हमने बताई है ये आप ज़रूर अपनाएंगे और आपको भी ये एक्सरसाइज करने के बाद जो मनचाहा रिजल्ट है वो मिल जाएगा, यानी कि एक आकर्षक नाक, एक खूबसूरत सी नाक, प्यारी सी नाक जो हर किसी को अपने चेहरे पर चाहिए होती है। क्योंकि नाक ही एक ऐसा हिस्सा है जो आपके चेहरे का बहुत आकर्षक फीचर होता है। तो उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी वीडियो। अगर इसी तरह की आप छोटी सी क्विक एक्सरसाइज वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। NBT लाइफ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन।